बात हो चुकी है, दोनों फाइटर्स आमने सामने हैं। यस स्टार्ट। अच्छा पंचिंग इस वक्त जारी है, दोनों फाइटर्स आमने सामने मौजूद हैं और इस वक्त आज के खूबसूरत शाम इन फाइटर्स के नाम रहेंगे। तालियों बजाते जाएं जी यार, दोनों फाइटर्स के साथ साथ हौसला अफजाई भी साथ साथ करते जाएं। ये जो खिलाड़ी फीलिंग देगा फुल कॉन्टैक्ट फाइट में, ये रूल्स हैं कि जो फीलिंग देगा वो लूज कर जाएगा। पंच किस के अटैक्स हो रहे हैं और जो लड़का महसूस करेगा कि उसको पंच लग गया या किक लग गया है तो वो लूजर होगा और उस मुखालिफ को अपोनेंट को पॉइंट मिल जाएगा। ये फुल कॉन्टैक्ट कराटे है जिसमें आप पूरी बॉडी पे अटैक कर सकते हैं और पावर से, पूरे पावर से अटैक करेंगे आप। ये इकबाल के शाहीन हैं जिनके लिए कहा गया है कि झपटना पलटना, पलट के झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। माशाल्लाह। नेक्स्ट फाइट के लिए तैयार रहेंगे रहमतुल्ला फ्रॉम चौहान साधन शाह एंड सुलेमान फ्रॉम टेक्सला। एक बड़ी फाइट आपकी नजरों के सामने कैटी न्यू है। क्वेश्चन वर्सेस चौहान साधन शाह के दोनों खिलाड़ी आमने सामने। सैयद इकबाल मध्यम काबिल है, राशिद चौहान साधन शाह से। दोनों कोचेस अपने खिलाड़ी को इसी तरतीब गाइडलाइन देते हैं, कैसे खेले, क्या प्री प्लान है, क्या स्ट्रेटजी है। इस तरह ये पहला राउंड खत्म हुआ, जजेस के फैसले का इंतजार किया जाएगा। तमाम जजेस फैसले के लिए तैयार हैं। चारों जजेस ने ये फैसला बराबर करार दिया है तो इस तरह इन फाइटर्स को एक राउंड और खेलने के लिए दिया जाएगा और थर्ड राउंड पे भी अगर फाइट बराबर हुई तो फिर जिस खिलाड़ी का वजन कम होगा वो विनर होगा। शाबाश।
तमाम खिलाड़ी, दोनों खिलाड़ी बड़े जज्बे से लड़ते हुए वन टू वन अटैक से हैं, दोनों के बराबर अटैक लगातार। इकबाल फ्रॉम ओशन कराटे क्लब एंड राशिद फ्रॉम चोवा सदन शाह। भाई अटोला दर चले जा, शाबाश भाई, देख के देख के, शाबाश बाल भाई, इनर इनर ये चीज, शाबाश भाई, शाबाश ये चीज, शाबाश बाल भाई, शाबाश उससे शाबाश बाल भाई, उससे इस तरह ही ना अका इसकोन शमन रे शमन रे शमन रे। इस तरह ओशन क्लब के सैयद इकबाल हैदर ने ये फाइट विन कर ली है। माशाल्लाह बहुत अच्छी फाइट, बहुत मुबारक, पहला विनर ओशन कराटे क्लब का सैयद इकबाल। नेक्स्ट फाइट रहमतुल्ला फ्रॉम ओशन कराटे क्लब एंड सुलेमान फ्रॉम टेक्सला। तुल्ला वर्सेस ओशन क्लब वर्सेस सुलेमान फ्रॉम टेक्सला। ये हमारे मेहमान, हमारे दोस्त, पुराने कुलीग टेक्सा से तशरीफ लाए हैं। इनकी मेन टीम में से कुछ मेंबर्स कल जापान जा रहे हैं, कुछ चकवाल से जापान जा रहे हैं, तो हमारे जो मेन खिलाड़ी हैं वो इस वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर सके। आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है कि जापान से हम पाकिस्तान का रोशन करके लाएँ। रहमतुल्ला फ्रॉम ओशन वर्सेस सुलेमान फ्रॉम टेक्सला। नेक्स्ट फाइट टीपू सुल्तान फ्रॉम ओशन वर्सेस तला फ्रॉम अल खालिद। वार्म अप कर ले, टीपू सुल्तान फ्रॉम ओशन वर्सेस तला फ्रॉम अल खालिद मार्शल आर्ट्स। नेक्स्ट फाइट शुमाइम वर्सेस नेक्स्ट फाइट शुमाइम वर्सेस आयमा। उसके बाद शुमाइम और आयमा की फाइट होगी, वो तैयारी कर लें। बहुत अच्छी फाइट, काउंटर पे बराबर फाइट, दोनों फाइट में बहुत अच्छा दोनों से रिस्पॉन्स। सुलेमान ओशन से रहमतुल्ला फाइट करें, पावर से अच्छी फाइट करें। इस तरह रहमतुल्ला ने पंच मार के ये पॉइंट लिया है। तमाम जजेस ने रहमतुल्ला को पॉइंट दिया। शाबाश भाई, वजरी पॉइंट रहमतुल्ला ने हासिल किया। नेक्स्ट फाइट अवैस वर्सेस तैमूर। वार्म अप कर लें, आप तैयार हैं फाइट के लिए। अवैस और तैमूर तैयार हैं। जरगोल वर्सेस इमरान। रहमतुल्ला ने दोबारा ओशन के रहमतुल्ला ने दोबारा पॉइंट हासिल किया और इस तरह ये फाइट रहमतुल्ला फ्रॉम ओशन क्लब विनर, सेकंड विनर फ्रॉम ओशन क्लब। कांग्रेचुलेशन बच्चों। टीपू सुल्तान फ्रॉम ओशन आका। टीपू सुल्तान रिंग मार्च। शमन रे, 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 शमन रे,
ऊपर 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 शुरू गनमैन चेंज कमेटी सर ना चेयर लगाते हुए खामोश हो गया वो है करता रहना तुम ये किधर गया उसको बोलो कमेंट्री कर दिया जो ब्राउन है हेलो एक बार फिर से आपको खुश अपडेट कहते हैं अब तक तो लेवल है दोनों खिलाड़ियों ने बड़े अच्छे खेल का मुजाहरा पेश किया अच्छी बैठ गया एक बार दोनों के लिए तालियां बजा दे यार वेरी वेरी वेल डन जेलम बड़ी फाइट स्टार्ट होने को है सो देखते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं चौथी फाइट स्टार्ट होने वाली है आज के खूबसूरत शाम बाप आपकी नजरों के सामने बताने जा रहे हैं वेरी वेल मोबाइल गिर गया है जी स्टार्ट होने अगली फाइट है जी अवैस और तैमूर अवैस मध्य मुकाबल होंगे तैमूर के वो रेडी हो जाए वेरी वेल तालियां बजा दें जी खूबसूरत मुजाहरा देखने को मिला सर खुर्रम अब्बासी साहब आज के खूबसूरत शाम आपकी नजरों के सामने एक कपड़े अच्छे इनिशिएटिव अंदाज से अपनाते हुए और खुर्रम अब्बासी साहब हमेशा की तरह चकवाल में एक
बड़ेपन के मुजाहरे करते हैं, इन्हें मैं एम्बेसडर चकवाल कहता हूँ। सर गौरव पासी साहब, आपके हफ्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने चकवाल के इन जंगस्टर्स के लिए एक बड़े प्लेटफॉर्म का एहतमाम किया। सैयद अली अब्बास समतानी साहब हमारे साथ मौजूद। एक बड़ी अच्छी फाइट था आपकी नजरों के सामने स्टार्ट। और नेशनल हीरो फरजाना पटेल साहिबा, आप हमारे इस खूबसूरत वेन्यू का हिस्सा बनी, आपको दिल के अथाह गहराइयों से मोस्ट वेलकम। जी आए नो खुश हम कहते हैं हमारे नेशनल हीरो कौमी हीरो फरजाना बतूल साहिबा, आपको दिल के अथाह गहराइयों से ओशियन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में खुश आमदीद कहते हैं। सर खालिद साहब के फरजंद भी खेल रहे हैं और बड़े अच्छे खेल का मुजाहरा पेश कर रहे हैं, लेकिन ना वो ऑन द स्पॉट दोनों प्लेयर्स को लेवल कर रहे हैं। चारों खिलाड़ियों के जिसके फैसले से ये फाइट बराबर अच्छी फाइट हो रही है, दोनों बहुत सीनियर फाइटर हैं। बहुत अच्छे काउंटर अटैक हो रहे हैं, वेल डन माशाल्लाह, बैकअप वेरी गुड। ओशन वर्सेस जेलम, शिन मारो शिन, वेल वेल। तकदीस की तैयारी कर ले, तकदीस होगी, तकदीस तकदीस आबेद और तारड़ तैयारी कर लें ताकि उनकी भी फाइट हो, सब मिले बराबर फाइट। काउंटर दोनों फाइटर जम कर लड़ रहे हैं। Thank you.
इस तरह ये फाइट जजेस के फैसले के मुताबिक आका ने विन कर ली है। नेक्स्ट फाइट अवैस वर्सेस तैमूर। स्टार्ट खत्म करें फाइट को। शुरू करें मतलब फाइट आया वैस को कह रहा हूँ फाइट करो फाइट करो करना फेस फाइन नहीं करेंगे। इस तरह अवैस ने ये फाइट जीत ली। तैमूर नाकआउट। सेकंड फाइट अवैस रेडी फॉर सेकंड फाइट। ठीक है सोचे अवैस इधर ही जाएंगे। अवैस की सेकंड फाइट है इधर ही शोएब के साथ। शोएब सेकंड फाइट के लिए आ जाए। अवैस को दो फाइट लगातार लड़नी पड़ेगी। लगातार दो फाइट काउंटर पे 14 ये लगातार आपकी दूसरी फाइट है। गुड वेल डन अच्छी फाइट का मुजाहरा करें। बहुत अच्छी फाइट अवैस की। सेकंड ओशन चैंपियन अवैस बच गए। वेल डन बहुत अच्छी फाइट। दोनों खिलाड़ी जमकर लड़ रहे हैं। बहुत अच्छी फाइट वेरी गुड चैंपियंस चैंपियन वाली फाइट है ये। वेरी गुड बहुत अच्छे गुड ये वेरी गुड शाबाश गुड। अवैस फ्रॉम मोशन तैमूर फ्रॉम जेलम। सेकंड नॉकआउट भाई अवैस सेकंड नॉकआउट ऑन द स्पॉट। पहले के बाद दूसरा नॉकआउट। इस तरह ये फाइट अवैस ने जीत ली है। नेक्स्ट फाइट शुमाइम आका वर्सेस आयमा शीरो। गर्ल्स फर्स्ट फाइट शुमाइम वर्सेस आका। वेल डन अवैस रहमतुल्ला चैंपियन फाइटर मुबारक आपको। सैयद इकबाल आपने फाइट जीती है आपको मुबारक हो। और टीपू सुल्तान और तला आप दोनों को बहुत मुबारक हो। आप असद मैट से थोड़ा पीछे उठ जाए। मैट से पीछे असदुल्ला मैट से पीछे उठ जाए। हाँ बताएं
गर्ल्स फाइट, गर्ल्स की तरह गर्ल्स भी माशाल्लाह फाइट से प्रेस करेंगे बच्चे। बहुत अच्छी फाइट शुमाई फ्रॉम मोशन, आई एम फ्रॉम अल-खालिद मार्शल आर्ट्स, गुड अटैक्स, वेरी गुड, बहुत अच्छे काउंटर अटैक, वेरी गुड, नॉन स्टॉप अटैक्स, गर्ल्स प्राउड गर्ल्स, वेरी गुड माशाल्लाह, काउंटर अटैक, स्पीड अटैक, स्टेमिना एंड पावर सेम टू सेम, गेट टुगेदर स्टेमिना एंड पावर बोथ आर फेस टू फेस। नेक्स्ट फाइट के लिए तैयार रहेंगे मुताहिर वर्सेस फाइक, तैयार रहेंगे अगली फाइट के लिए, वार्म अप कर लेना बच्चों। नेक्स्ट फाइट जरगोल फ्रॉम ओशन वर्सेस रिजवान फ्रॉम जेलम, ये तैयार हो जाए। गुड वेल डन, अच्छा स्टेमिना है बच्चों आपका, जम के लड़े बहुत बराबर लड़ रहे हैं दोनों बच्चे माशाल्लाह, काउंटर अटैक पे जम के लड़ रहे हैं दोनों बच्चे, वेरी गुड, रेगुलर अटैक्स। इस वक्त ओशन कराटे क्लब तकरीबन तमाम फाइट जीत रहा है, हम ओशन स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के ऑनर खुरम अबासी के तहे दिल से मशहूर हैं कि उन्होंने खिलाड़ियों को फाइट्स के मौके दिए और अपने ये फाइट ओशन की शुमाइम नईम ने विन कर लिया है। शुमाइम नईम और अवैस नईम दोनों बहन भाई हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे फाइटर हैं और चकवाल का नाम हर जगह रोशन करते हैं और इनके वालदैन को सलाम के बच्चों को खेल के लिए सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट फाइट है फाइक वर्सेस मुताहर, फाइक वर्सेस मुताहर, बहुत अच्छी फाइट चढ़ के फाइट कर रहे हैं, मुताहिर और फाइक, मुताहिर वर्सेस फाइक, गुड फाइट, मारो 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 मारो
इस तरह राउंड घुमा करो राउंड हजारी इस तरह ये फाइट बहुत मुबारक शाबाश माशाल्लाह बच्चे फ्रॉम जेलम इसके बाद दो फाइट वेल्स की जरगोल फ्रॉम चकवाल एंड रिजवान फ्रॉम जेलम रिंग से भी दूर हो जाए रिंग से दूर हो जाए आप अवैस असदुल्ला असदुल्ला पीछे जाओ और पीछे जाओ जरगोल वर्सेस रिजवान गुड फाइट दोनों फाइटर बहुत अच्छी फाइट लड़ रहे हैं ओशन स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में ये ऑल पाकिस्तान चैलेंज फाइट्स मुकाबला सजा हुआ है जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ ज़िला से टीमें खिलाड़ी आए हैं असल में शॉर्ट टाइम की वजह से वो ये बहुत कम फाइट्स हमने रखी हैं 10 फाइट्स इस वजह से तमाम आने वाले मेहमान टीमों को हम दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदेद कहते हैं उन्होंने आके इस इवेंट को रौनक बख्शी दोनों फाइटर माशाल्लाह जमकर लड़ रहे हैं इस वक्त रिजवान का पल्ला भारी जेलम से जरगोल फ्रॉम चकवाल से लेकिन जो जमकर रहेगा जमकर लड़ेगा वो ही फाते होगा गुड फाइट फ्रॉम रिजवान जेलम एंड इस तरह रेफरीज का फैसला तीन रेफरी रिजवान के हक में है और एक रेफरी जरगुल के दूसरा ये फाइट रिजवान फ्रॉम जेलम विनर बहुत बहुत मुबारक बचे आपको नेक्स्ट फाइट अक्सर फ्रॉम चकवाल वर्सेस अबीर फ्रॉम ओशन अक्सर
आप तो देख रहे कमलीर शाबा गर्ल्स नीचे रखे बच्चे चले शाबाश कोई स्लो स्लो इजी पंच कंट्रोल करें नेक्स्ट फाइट खमसा तैयार तकदीस वर्सेस खमसा इस तरह ये फाइट अच्छा ने विन कर ली नेक्स्ट फाइट अयाज खान वर्सेस हफीजुल्ला तैयार है इसके बाद लास्ट फाइट है लास्ट फाइट अयाज खान वर्सेस हफीजुल्ला तैयार है इधर इधर शमनीर सुशनीर बतनीर कमेटी अच्छी वेल डन माशाल्लाह गुड बहुत अच्छी तकनीक दोनों बच्चों की हंसा मूविंग लाइक अ मशीन बेस्ट पंचेस बेस्ट किक्स बेस्ट अटैक्स शाबान सर गुड कम ऑन बैक अप वेल डन बेटा शाबाश गुड आपका वेट कम है लेकिन फिर भी आप बहुत बाजी से लड़ रही हैं आप अपने से बड़े वेट से और फाइट कर रही हैं और बहुत दिल गुर्दे से आप लड़ रही हैं माशाल्लाह ऐसी बच्चियां माशाल्लाह हमारे मुल्क का जेवर है और ये हमारे माथे का झूमर है ऐसी बच्चियां मजबूत पाकिस्तान की जामिन है और ये मजबूत बच्चे वेल डन बच्चों माशाल्लाह गुड अटैक्स लगातार अटैक्स वेल बहुत अच्छी ट्रेनिंग माशाल्लाह इनकी टीचर्स को सलाम बहुत अच्छा टैक्स वेल डन बहुत वेल डन बस का नेक्स्ट फाइट लास्ट फाइट हफीजुल्लाह वर्सेस अयाज फाइनल फाइट अयाज खान कैडेट कॉलेज चौबा में भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं बच्चों को और हफीजुल्लाह हमारे नेशनल एसोसिएशन तमाम खिलाड़ियों को और तमाम पार्टिसिपेंट को इसके बाद तमाम खिलाड़ी तरतीब से मैट पर बैठ जाएंगे और विनर्स को बारी बारी बुला के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला शुरू होगा शाबाश
माशाल्लाह हफीजुल्लाह खान ने ये फाइट जीत ली है। इस तरह ये शॉर्ट इवेंट 10 फाइट्स का इख्तिताम पसीर हुआ और तमाम खिलाड़ियों से ये रिंग पर आ जाए फौरन तमाम खिलाड़ी। फर्स्ट कॉल फ्रॉम ओशन स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, इन्होंने टक्सा से फाइट विन की है, रहमतुल्ला ओशन स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। टीपू सुल्तान और तला दोनों ने फाइट बराबर की तो इनको बराबर प्राइज दिया जाएगा दोनों को। बस के तो बात प्यार है शुमान साजी वेल प्ले शुमान विनर -50 kg प्रमोशन स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स शुमान नहीं वेल डन शुमान। नेक्स्ट तैयार है रयान अली फ्रॉम ओशन स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स चकवाल, विनर फ्रॉम तैमूर फ्रॉम तकीद जेलम। बहुत क्लोज फाइट थी, पॉइंट्स की बेस पे फाउल की बेस पर ये फाइट रयान ने जीती है। फाइट बहुत अच्छी हुई दोनों बच्चों की और क्लोज फाइट थी। रयान अली फ्रॉम ओशन स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। इसके बाद अवैस लगातार दो नॉकआउट किए हैं इस बच्चे ने, फाइटें की हैं और अवैस रियल चैंपियन फ्रॉम मोशन स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स विनर -50 kg। नेक्स्ट फाइक अली फ्रॉम फाइक चकवाल, नेक्स्ट फाइटर शायद अपना इनाम हासिल। बहुत अच्छी फाइट विन की है नेक्स्ट रिजवान फ्रॉम जेलम। ये चैलेंज टूर्नामेंट रिजवान फ्रॉम जेलम ने विन किया है, बहुत मुबारक। नेक्स्ट फाइट रिजवान फ्रॉम जेलम। नेक्स्ट फ्लाइट विनर अक्सा फ्रॉम ओशन स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। अभी उधर गेम करा रहे हो? हाँ खान मेरे जान खान मेरे जान। नेक्स्ट हंसा अबासी और माशाल्लाह। और हेलो के जी मेरे लिए और
हमने जो थोड़ा गेम देखा था वो थोड़ा सफ़र शुरू हुआ है उसका, अभी स्टार्ट है, लेकिन बड़ी तजीराई मिल रही है। बड़े लोग माशाल्लाह विकी और ये बेटी फरदाना बच्चों ने बड़ी एफर्ट किया, आज भी स्क्वाड यूनिवर्सिटी में गए हुए थे, उन्होंने वहाँ बड़ा इसको प्रमोट किया है कि आके खाली तो काफ़ी खवातीन भी आना शुरू हो गई है। अभी फुटबॉल का भी कल कोई बड़ा ब्रेक हो रहा है कि फीफा की टीम आ रही है, जो स्पेशल मुझे भी बताया गया फीफा के स्पेशल जो है ना पाकिस्तान के, वो 5 मेम्बरान आ रहे हैं, लोग फीफा के पास जाते हैं रजिस्टर कराने के लिए, वो चकवाल आ रहे हैं हमें रजिस्टर करने के लिए। तो ज़िला चकवाल का हमारा उस का पहला क्लब होगा जो फीफा से रजिस्टर होगा, तो इंशाल्लाह वेरी अपॉर्चुनिटी इन द फ्यूचर कि हम फुटबॉल को भी इन द फ्यूचर में इसको पाकिस्तान लेवल और ऊपर, जैसे 24 टीमों का 34 टीमों का टूर्नामेंट होता है, वर्ल्ड कप होता है, तो होपफुली कि अगले 5-10 सालों में हमारी टीम को ऊपर लेकर जाएँ। ओशन क्रिकेट चैम्पियनशिप में ओशन क्रिकेट ने माशाल्लाह चैम्पियनशिप जीती है, ये सफर उस पर शुरू हो गया वो भाई लॉर्ड लॉर्ड और मेलबर्न का बिल्कुल शुरू हो गया, तो नौजवानों ने मेहनत करनी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हुआ, बड़े यंग लड़कों ने पसंद किया, बड़े लड़कों को बड़े लोगों को अच्छा लगा कि पहली दफ़ा 30 टीमों ने पार्टिसिपेट किया और एक लकीली हम जीत गए, एकदम फर्स्ट टूर्नामेंट में हमने जीता इंशाल्लाह। 12 जो टॉप 12 टीम है उनकी भी एक हमने चैंपियन ट्रॉफी रखी है नेक्स्ट 2-3 मंथ, ताकि उनको भी एक चांस मिले ऊपर आने का। तो ये इधर टेनिस कोर्ट का भी क्या है, टेनिस अहमद के नाम से किया, इंशाल्लाह होपफुली टाइम मिलेगा तो ये ऑन द वे मे बी इन द नियर फ्यूचर ये विल बी कम हियर। तो बास्केटबॉल भी शुरू हो गई, आर्चरी स्टार्ट, तीरंदाजी भी शुरू हो गई इंशाल्लाह, कोई गेम अब बचेगी नहीं हमारी, हमारी हंटिंग से बचेगी नहीं कोई गेम। We are hunting behind all of them. Sports complex, जिंदाबाद। Ocean sports complex, जिंदाबाद। मेरा नाम अक्सा खालिद है और मैं अल खालिद मार्शल आर्ट से बिलोंग करती हूँ, ब्राउन बेल्ट हूँ, और ये शमाइम है ब्लैक बेल्ट और साथ आयमा है ब्राउन बेल्ट, और हम काफ़ी खुश हैं कि हमें काफ़ी टाइम के बाद ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है, ऐसा एनवायरनमेंट मिला है जहाँ पे ऐसे ओकेजन आया है कि हमें फ़ाइट करने का मौका मिला है, ऐसा बहुत कम होता है कि हमें अपॉर्चुनिटी मिले। और ये चैलेंज टूर्नामेंट था, हमने ऑलमोस्ट ऑल पाकिस्तान को चैलेंज किया था, बट कोई टीम हमारे से गर्ल्स के लिए फ़ाइट के लिए नहीं आई, तो अनफॉर्चुनेटली हमें आपस में ही पेयर्स बनाने पड़े, बट वी आर हैप्पी कि हमें ये जो जगह मिली है काफ़ी अच्छी है, ओशन वालों का थैंक्स कि उन्होंने हमें ऐसा एनवायरनमेंट दिया जो कंफर्टेबल है स्पेशली गर्ल्स के लिए, और मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए मज़ीद। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम रफाकत भट्ट है और हम चकवाल में ABC स्विमिंग पूल और आर्चरी करा रहे हैं। चकवाल में ये पहला स्विमिंग क्लब है जो बच्चों को प्रॉपर स्विमिंग कराता है और आर्चरी कराता है, और हर साल हम इसके बच्चों को बच्चियों के इवेंट कराते हैं, और ये मूसा भट्ट चकवाल का पहला आर्चरी का प्लेयर है जो आर्चरी कर रहा है। इंशाल्लाह यहाँ जो एशियन स्पोर्ट्स ने जो इवेंट कराया है इससे बच्चों को अच्छी हौसला अफजाई हुई है, और इंशाल्लाह अगर ये इवेंट कराते रहेंगे तो और भी बच्चों की अच्छी हौसला अफजाई होगी। बहुत शुक्रिया।